यू रिसीव्ड योर डिग्री इन लॉ LLB. बड़ी एक लंबी जर्नी रही है. यस, इट्स बीन अ टफ वन. रिसीविंग अ बैचलर ऑफ लॉज, मोरा हुसैन. Receiving a Master of Arts in Refugee Protection, Sylvester Chapotera. मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत लोग इस खुशी का हिस्सा बने और मुझे इतना एक्चुअली शायद मेरे फैंस ने या इवन पब्लिकेशंस ने या मेरे कलीग्स ने शायद मेरी मूवीज और मेरे ड्रामास के लिए मुझे कभी नहीं किया, बट आई हैड मोस्ट ऑफ माय को-एक्टर्स कॉलिंग मी पर्सनली टू कंग्रेचुलेट मी एंड सारे फैंस और सब लोग जितना उन लोगों ने प्यार दिया डिग्री के लिए. आई थिंक उनको भी दे ऑल्सो रियलाइज कि बहुत ही मुश्किल काम था. सो या तो जहाँ इतना प्यार मिला, लोगों की दुआएं मिली, लोगों के मैसेजेस आए, वहाँ पे कुछ लोगों ने इतराज ये किया कि ये मावरा को पढ़ने का वक्त कब मिला पढ़ाई का, क्योंकि ये तो हर वक्त ट्रैवल कर रही होती हैं, कभी नहीं, किसी अवार्ड इवेंट पे होती हैं, कभी ये इतराज नहीं किया कि पढ़ने का वक्त कब मिला. पीपल एक्चुअली थिंक कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री खरीदी है अपेरेंटली 5 करोड़ की. 5 करोड़ की? तो ये आपने खरीदी है वाकई में या नहीं? आज क्लैरिफाई करने हैं. खरीद ही नहीं सकते. इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू बाय अ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिग्री. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. बट इट वाज फनी. आई वाज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज सच मीम्स और जो भी लोगों के क्लेम्स थे. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पढ़ने का वक्त बहुत एक्चुअली बहुत मुश्किल से मिला. शूटिंग्स के दौरान पढ़ाई की है. यू नो द डे आई पुट अप माई ग्रेजुएशन पिक्चर, मेरे स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट और इस तरह के लोगों के पास एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जहाँ पे मैं शूटिंग करते वक्त मैंने नोट्स पकड़े हुए हैं. सो दे आर ऑल सेंडिंग देम टू मी सेइंग कि ये सब रंग लाया. सम्मी के सेट पे कुछ पिक्चर्स हैं और यू नो अभी जवानी और आंगन की बात तो नहीं है, बट इवन सम्मी के मेकअप आर्टिस्ट और उन लोगों की मुझे कुछ इमेजेस आई जहाँ पे मैं वो सम्मी की मेरी पीछे ब्रेड बना रही है सीमी राहील और मैं आगे ना ऐसे नोट्स पकड़ के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे बिल्कुल 3 दिन में या 4 दिन में. तो ये इस पूरे इंसिडेंट से जो चीज़ सामने आती है निकल के, वो ये कि लोग शायद अज्यूम करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बड़े स्टार्स हैं इनकी जिंदगियाँ तो बहुत मज़े की हैं. हाँ. कि ये सिर्फ ट्रैवल करते हैं, अवार्ड शोज़ पे जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी न्यूयॉर्क में होते हैं, कभी टोरंटो में होते हैं. हाँ, लेकिन है मज़े की. है तो मजे की, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है एक आर्टिस्ट की, जैसे कि आप जिस स्ट्रगल से गुजर के आपने अपना LLB कंप्लीट किया, यू वर शूटिंग, आई नो फॉर अ फैक्ट आप अपनी किताबें साथ लेके गई हैं काफी सारे शूट्स पे LLB को, और मैंने वो तस्वीर भी देखी हुई है आपकी. तो बताएं कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में अपने फैंस को और उन लोगों को भी जो आपके फैंस नहीं है और कंप्लेन करते हैं कि भाई इन्होंने तो 5 करोड़ की डिग्री खरीदी है. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्लैरिफाई तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पे, सिर्फ हंसना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि व्हेन यू नो योर ओन ट्रूथ यू डोंट हैव टू गो एंड क्लैरिफाई. बट स्ट्रगल शेयर करने की जो बात है, इवन दो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती, मुझे लगता है कि वी एक्टर्स वी हैव एक्सेप्शनली प्रिविलेज लाइफ. अगर उसमें हम छोटी मोटी स्ट्रगल कर लेते हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके रिटर्न में, उसके लिए जो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, वो हमारी स्ट्रगल से बहुत बड़ा होता है. द अमाउंट ऑफ लव वी गेट कोई आसान बात नहीं है. हर आम आदमी को इतने लाखों करोड़ों लोगों का प्यार नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे अपनी स्ट्रगल्स हमेशा अपने रिवॉर्ड्स के सामने बहुत छोटी लगती हैं. लेकिन स्ट्रगल विद डिग्री स्ट्रगल सिर्फ ये थी कि वो जो आपको अपना माइंड स्विच करना पड़ता है ना, दैट सडनली यू आर एन एक्टर एंड देन यू आर अ स्टूडेंट, वो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी होता था क्योंकि व्हेन यू आर एक्टिंग, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, लेट्स से व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर जवानी इन दुबई, और दैट वाज, उसकी मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वो मेरे एग्जाम्स से क्लोजेस्ट शेड्यूल था, मेरे 10 दिन बाद शायद मेरे एग्जाम्स से. तो उस वक्त खुद को, एक तो आप क्रिएटिवली भी सोच रहे होते हैं, अच्छा कल का शॉट मैंने ऐसे करना है, वो वाला सीन मैंने वैसे करना है, और वो वाला सॉन्ग, उसमें कपड़े ये हैं, ज्वेलरी ये है, अच्छा ये अच्छा लगे, ये बाल अच्छे लगेंगे. सो यू आर ऑल्सो इंडल्ज्ड, फुली इंडल्ज्ड इन दैट, एंड देन यू हैव टू थिंक कि अच्छा मैंने सुबह 9 बजे की जगह 7 बजे उठना है सो आई कैन स्टडी बिफोर हैंड बिफोर आई एम कॉल्ड फॉर द मेकअप. तो मैं जल्दी उठती थी 2-3 घंटे पहले और मैं पढ़ाई करती थी बैठ कर, वहाँ पे मेरी मेकअप कॉल होती थी और मेकअप करते करते भी मैं समटाइम्स कभी कभी मैं ऑब्वियसली 7 बजे उठने की जगह 8 बजे आ जाती थी तो मेरा पढ़ाई का टाइम कम हो जाता था. तो मैं मेकअप करवाते करवाते आई वुड स्टडी और ये शबान और ब्रायन और ये सब, आप क्या कर रही हैं, आप अपने मेकअप पे फोकस करें, छोड़ें ये किताबें. सो इवन आई वुड फील अ लिटिल के यू नो आई नीड टू गिव माई 100% टू द मूवी ऑल्सो. सो आई थिंक दैट डायलेमा वॉज अ लिटिल ट्रिकी. आपको समझ नहीं आती वट टू गिव योर सेल्फ टू कम्प्लीटली.
बट देन यू हैव टू बी टू हार्टेड एंड प्ले बिटवीन द टू एंड दैट्स अ लिटिल. ये भी कभी सिचुएशन आई है कि आप एग्जाम देने के फौरन बाद फ्लाइट पकड़ के शूट पे गई हैं? हाँ, भी मेरा आई थिंक सेकंड ईयर था कि थर्ड ईयर में भी ऐसा हुआ है. सेकंड ईयर में हम लोग मेरे थर्ड एग्जाम और फोर्थ एग्जाम के बीच में लक्स की शूट थी जो मैंने पिछले साल एड शूट किया है. तो और ऐसा था कि मेरा आई थिंक 16th को एग्ज़ाम था और 17th की मॉर्निंग में रोल करना ज़रूरी था. 18th नहीं हो सकती थी. सो आई एंड इट वाज एन इवनिंग एग्जाम. सो आई फिनिश्ड एट लाइक 5 एंड देन आई वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट गई और फ्लाइट. तो देख ले, ये थोड़ी पुरानी कहानी है ना, इसलिए आपको पता है. इतनी आसान लाइफ नहीं है, बड़ी मुश्किलों और फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम भी रहता था. तो मैं बहावलपुर में लक्स करते करते पढ़ाई भी कर रही थी. और लेकिन ऑब्वियसली लक्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो मैं किताबों को सेट पे साथ नहीं लेके गई. सेट पे आई जस्ट वांटेड टू फील लक्स, तो आई डिडंट टेक देम विद मी. पावरा, लॉ की डिग्री तो अब मिल गई आपको. इस आगे अब लॉयर बनने का कम्प्लीटली इरादा है, लॉ फर्दर परसू करने का? क्या हम कोर्ट में आपको देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे. कब देखेंगे ये नहीं बता सकती अभी, क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं पता. मैं आई वुड लाइक टू टेक इट 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एज फार एज माई मी परसुइंग माई लॉ लीगल करियर इज कंसर्न. लेकिन देखेंगे ज़रूर. आई थिंक होपफुली मैं इस साल अगस्त में अपना बाहर करने जाऊँगी. इस साल नहीं गई तो अगले साल चली जाऊँगी. सो मैंने ऐसा कोई टाइम रिस्ट्रेंट नहीं लगाया अपने ऊपर. बट मुझे ये पता है कि मुझे बैरिस्टर भी बनना है और मुझे होपफुली जस्टिस भी बनना है एक दिन, अगर यू नो गॉड विलिंग. आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट, बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू इग्नोर माई करियर. क्योंकि अब पढ़ाई, मेरा सवाल यही था कि शायद फैन सुन के ये कुछ डिसअपॉइंट से ना हो जाए आप. नहीं, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो कल परसों में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक इंस्पिरेशनल स्पीच देने गई थी, तो मैं बच्चों को बता रही थी कि पढ़ाई इज द इजिएस्ट बिट ऑफ योर लाइफ टाइम. ओके, तो अभी लॉ की पढ़ाई, इवन दो इट वॉज रियली टफ, बट इट वॉज द इजिएस्ट बिट ऑफ द लीगल करियर. सो वो अब ईजी बिट कर लिया है. अभी उसको परसू कैसे करना है वो मुझे, आई हैव टू गेज इट वेरी नाइसली विद माई करियर. Because I'm also very, very grateful for my career. I don't want ki anyone should ever think ki she's taking her career or whatever opportunities she has for, you know, for granted. I don't want to do that. So let's see. Abhi it's too soon to think ki kab, kaise, kahan. Lekin a legal career is definitely in my plan. Talking about your other career, jo ke only career right now. right now. Yeah, and it's very, very, very dear to me. So, aajkal aangan. हर तरफ बात की जा रही है, चर्चा है आंगन का. पीपल आर लविंग योर परफॉर्मेंस एंड माइट आई से विदाउट एनी बायस यू लुक एब्सोल्युटली प्रिटी इन व्हाटएवर सीन्स दैट आई हैव सीन ऑन आंगन. प्रॉब्लम ये है कि आंगन देखने को मिल नहीं रहा, यूट्यूब पे नहीं है. अगर पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू. आई वॉन्ट टू क्विकली प्लग इन माई टीम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बाबर जहीर एंड बीनेश एंड रबाब दैट आई लुक गुड. एंड यू नो रबाब ने स्टाइलिंग की है कपड़ों वगैरह की और बाबर और बीनेश ने हेयर और मेकअप की. सो It's all to them. क्योंकि मैं उस वक्त भी पढ़ाइयाँ कर रही थी, तो while Babar would be doing the makeup, मैं नीचे मुँह करके कुछ read कर रही होती थी. और वो अब तो खैर मैं उनको भी cases सुनाती थी. कोई मैंने case अगर याद करना है ना, और बहुत मुश्किल है, तो उनको बताने लग जाती थी कि पता है क्या हुआ लंदन में, पता है इस तरह हुआ, फिर उसने उसको इस तरह मर्डर कर दिया और फिर ये हुआ. एंड आई वुड टेल देम द होल स्टोरी एंड while they'd be putting on the makeup which you now seen. Yeah, but it's become very challenging now and tiresome to watch. Angan, because if you miss an episode, there's no way of catching up. I mean, there should be a way. I mean, of course, there's a repeat telecast on television. No, but you're right. It's a digital age, and हमारे जो भी जब भी हमारी कोई वीडियो जाती है तो हमारे व्यूवर्स हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कंसिस्टेंटली कि आप आंगन को यूट्यूब पे डाल दें. हम तो नहीं डाल सकते, बट वो उनको बहुत कंप्लेन है कि आंगन क्यों नहीं है. If I may speak on behalf of Hum TV. इंटेंशन ये नहीं थी कि डिजिटल पे ये इतनी देर से आए. इंटेंशंस कुछ और थी और कुछ चीज़ें प्रोसेस में थी जो फिर नहीं हो पाई, और अब वो दे आर गोइंग टू टेक अनदर टर्न ऑन दैट, बट इट्स गोइंग टू कम ऑन डिजिटल. ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट देयर प्रोजेक्ट, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर प्रोजेक्ट. वी वांट इट टू रन ऑन डिजिटल. लेकिन ऑफकोर्स इवन आई विश कि ये वेल इन टाइम आता, और जब लोग विश कर रहे हैं कि दे वॉन्ट टू कैच अप ऑन अ सर्टन एपिसोड, दे शुड बी एबल टू वॉच इट. बट आई थिंक बीच में one of the weekends Hum TV ran like 9 episodes together, which really helped everybody. ये चीज़ें पहले होती थी. I've heard now people are telling me digital से पहले हम यही करते थे कि हम पूरा drama एक साथ चलाते थे, so people can catch up. So they're saying people are actually catching up, which is nice. And I have a lot of people texting me
कि रिपीट टाइमिंग क्या है. तो मेरे पास ना एक सेट मैसेज है जो मैंने अब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज हर कोई हर हफ्ते पूछता है. सो पीपल एक्चुअली वेट टिल इट रिपीट्स एंड वॉच इट. बट आई रियली रियली होप कि डिजिटल पे बहुत जल्दी आ जाए. अल्लाह करे तो आ जाए और हमें देखने को मिले एपिसोड जो हमने मिस कर दिए. अब ये बताएं कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि जो भी सेलिब्रिटीज इंडिया में काम करके आए हैं या बॉलीवुड में काम करके आए हैं उनकी रिकग्निशन ऑल ऑफ अ सडन 10 times बढ़ जाती है, जो कि एक तरह से अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली अलॉट मोर पीपल गेट टू नो ऑफ योर वर्क. बट द फैक्ट इज कि सनम तेरी कसम से पहले आपने बहुत सारा काम किया हुआ, आपने काफ़ी सारे ड्रामे किए हुए हैं. क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपका वो काम अंडरमाइन हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ फैंस और अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली नो के इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के एंड दे प्रॉब्ली नो यू जस्ट आफ्टर सनम तेरी कसम एंड विच इज़ वाई परहैप्स दे डोंट थिंक दैट यू आर एज गुड एन एक्टर दैट विच यू आर, जो अब आंगन से काफ़ी सारे लोगों को क्लियर होता जा रहा है. पिछले एक दो साल में क्या फोकस शायद इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं था कि अरे मावरा तो यू नो शी इज़ अ सोशल मीडिया सेंसेशन, शी इज़ जस्ट अ सोशल मीडिया स्टार.